ये क्या कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। श्रेया तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? कैसे मतलब? डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तो तुम कभी माँ बनी नहीं सकती थी। श्याम तुम ये क्या कर रहे हो? पूजा ये कभी माँ बनी नहीं सकती तो फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? श्याम तुम्हें कैसे पता कि ये माँ नहीं बन सकती? तुम जानते हो उसे? पूजा क्योंकि ये मेरी एक्स वाइफ है श्रेया। वो जैसी मर्जी माँ बनी हो हमें इससे क्या? तुम चलो घर। नहीं पूजा मैं सच जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे मैंने इसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर की रिपोर्ट देखी थी, अब ये प्रेग्नेंट है। मैंने झूठ बोला था। क्या मतलब? कैसा झूठ? मतलब ये कि मैं तो माँ बन सकती हूँ लेकिन तुम कभी बाप नहीं बन सकते। श्रेया झूठ कम बोलो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। रुक क्यों गए? मारो मुझे। मेरे ऊपर हाथ उठाने से सच नहीं बदल जाएगा। तुम्हें दुख ना हो इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। डॉक्टर से कहकर मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई कि मैं माँ नहीं बन सकती लेकिन सच यही है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। चलो मान लिया कि तुम सच बोल रही हो। अगर मैं कभी बाप नहीं बन सकता तो फिर पूजा प्रेग्नेंट कैसे है? मुझे क्या पता, इसी से पूछो। कहाँ मुंह काला करवा के आई अपना? अपना मुंह बंद रखो। श्याम ये हमारा बच्चा है। श्याम तुम कभी बाप नहीं बन सकते और ये मैं साबित कर सकती हूँ। ये लो डॉक्टर का कार्ड, जाके पूछ लेना। सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? श्याम मैं सच बोल रही हूँ, ये हमारा बच्चा है। देख मेरे सबर का इम्तिहान मत ले, लास्ट बार पूछ रहा हूँ ये बच्चा किसका है? श्याम मुझ पे भरोसा करो, ये हमारे प्यार की निशानी है। श्रेया झूठ नहीं बोल सकती, वो सच बोल रही है। मेरी वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाई और मैंने उसे इस गलती में छोड़ दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन अब और नहीं, सच सच बताओ किसके साथ तुम मुंह काला करवा के आई हो और किसका पाप है जो तुम मेरे माथे मर रही है? श्याम ये हमारा बच्चा है, इसे किसी और का बताकर गाली मत दो। बस तो क्या और नहीं। श्याम बहुत अच्छा किया तुमने उस धोखेबाज औरत को अपनी जिंदगी से निकाल कर। श्याम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने उसे धक्के देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। क्यों परेशान कर रही हो यार, मुझे चैन से जीने दो ना। वही तो मैं होने नहीं देना चाहती। क्या मतलब? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तुमने मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझे डिवोर्स दे दिया था उस दिन। तभी मैंने ठान लिया था कि इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेके रहूंगी। और आज देखो मैंने तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्चे से हमेशा के लिए अलग कर दिया और अब मिला है मुझे सुकून। नहीं मिलेगा तुम्हें सुकून क्योंकि मैं अपने पति को नहीं छोड़ रही हूँ। पूजा मुझे माफ कर दो, मैंने इसके कहने पर तुम पे हाथ उठाया, इतना कुछ बोला, उसके बाद भी तुम मेरे लिए यहाँ पे आई हो। पूजा इस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया था, तुम्हें भी कर देगा, छोड़ दो इसे। पूजा प्लीज मुझे छोड़ना मत, ये लड़की एक नंबर की धोखेबाज है, इसलिए मैंने इसे छोड़ा था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। चलो शाम।